जिस सिलसिले में मैं बोल रहा था वो है कि अगर क्रिटिसाइज़ करना है तो खुद को करना, और सबसे अच्छा चीज़ को सीखने का कोशिश करना। सबके पास कुछ अच्छा ही होता है और कुछ शायद उतना अच्छा नहीं होता है। बुरा नहीं शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि कौन अच्छा कौन बुरा तो टाइम बताएगा, हम नहीं बताने वाले हैं। खैर, ये जो दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, ये चीज़ सीखने के लिए हमें एक शब्द हमेशा कान में रिवर्बरेशन होता रहा, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्स जो है ना वो किसी अकेला का नहीं है, मेहनत अकेला करना पड़ता है, मगर फल जो है वो एक साथ होता है। फुटबॉल टीम, हो सकता है आप माराडोना हो या पेले हो, पर अकेले पेले या अकेले माराडोना, जो कि हमारा प्रणम है, इसको हम बोलते हैं कि वो भी दुनिया के बहुत लोगों को सिखाया कि कैसे ज़िंदगी में सक्सेस लाना पड़ता है, क्या मेहनत करना पड़ता है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मतलब है सबको इज्जत करने का शिक्षा मिलना, सबके पास अच्छा ही होता है उसको लेना। एक पास अगर अच्छा होगा तो वही गोल बन सकता है, अगर पास गलत हो गया तो गोल नहीं बन सकता है। तो स्पोर्ट्समैन को एक स्पिरिट होता है जो कि दूसरे के लिए श्रद्धा, वो चीज़ हमारे संगीत में कम है। संगीते आमादेर देशे वाह कि भालो, এটা খুব কম লোক বলতে পারে। প্রথমেই যারা সাকসেসফুল গায়ক, যো কি বহুত সাকসেস মিলতা হয় জিনকো, ও দূসরে কো পহলেই সিখতে হয় দূসরে মে ক্যা অ্যাব হ্যায়, ক্যা গলতি হ্যায় উসকো নিকালনা, নিকাল কে খুদ কো সুপিরিয়রিটি কো এস্টাবলিশ করনা, উইচ ইজ কমপ্লিটলি রং। স্পোর্টস সে যো লোক মিউজিক মে আয়ে ইয়া মিউজিশিয়ান যো স্পোর্টস কো बहुत अच्छी तरह समझा देखा, उनके अंदर एक ब्रॉडनेस होता है। ये ब्रॉडनेस जो है ये सबको मानने के लिए खुद को तैयार करते हैं। ऐसा ब्रॉडनेस वाला एक आदमी हमने ज़िंदगी में देखा एज माय फादर, इनका नाम है विजय किचली जी। ही वॉज बेसिकली ए स्पोर्ट्समैन, मगर बहुत अच्छा गाते भी थे। ऐसा नहीं बोल सकते कि संगीत संसार में उनका एज ए म्यूजिशियन उनका नाम पूरी ज़िंदगी लोग मानेंगे, शायद ये नहीं है। मगर संगीत संसार में विजय किचलू जी सोने का अक्षर पे उनका नाम लिखा हुआ होगा, ऐसा कुछ काम किया है। तो नेक्स्ट दिन मैं विजय किचलू जी के बारे में विस्तार में मैं 2-3 एपिसोड में बोलूँगा कि कैसे कैसे उन्होंने स्पोर्ट्स का जो गुण है वो संगीत पे लाया, और कैसे कैसे उन्होंने सारे संगीत संसार को उन्होंने मदद किया, और आज संगीत संसार जो समृद्ध हुआ है उसमें उनका भाग कितना है।